फायदा ये होता है कि अगर उसमें 1 लाख लोग भी हैं, आपका किया हुआ पोस्ट 1 लाख लोगों के पास पहुंचता है, तो इसे कहते हैं इंटरनेट क्रॉलिंग। इसे कहते हैं क्रॉलिंग। जब आप कोई भी चीज को पोस्ट करते हो व्हाट्सएप में, अगर आपने पोस्ट किया वो धीरे धीरे हट जाता है, लेकिन ऐसे ऑनलाइन प्रमोशन करने से आपका पोस्ट सालों साल क्रॉलिंग करता रहता है। मेरी बात समझा आपको? तो दिस अगेन द बेस्ट टूल कि फेसबुक पेज के साथ साथ में ग्रुप्स बनाए भी और ग्रुप्स में आप लोग ज्वाइन भी करें। वन मोर थिंग व्हाट टू डू इज अबाउट द यूट्यूब एनालिटिक्स। फॉर दैट आई विल रियली अप्रिशिएट मिस्टर अमनदीप सिंह जी, द फर्स्ट पर्सन टू गेट स्टार्ट विद द यूट्यूब चैनल प्रमोशन। एंड यू वोंट बिलीव, जो सबसे पहले अननोन जो फिगर्स हमारे पास आने स्टार्ट हुए, अननोन लोगों ने जो कॉल करना स्टार्ट किया कंपनी तक को, वो बिकॉज ऑफ मिस्टर अमनदीप सिंह फ्रॉम दिल्ली। योर चैंपियन, योर लीडर इज ओवर हियर। यस, सो ही इज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड प्रमोटिंग मजुमा बाय सेल्फ रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, बाय वीडियो फॉर्मेट, जिसकी वजह से सबसे पहले मजुमा को ऑनलाइन में जो माइलेज मिला। आई विल गिव दिस क्रेडिट टू मिस्टर अमनदीप सिंह जी। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ मोर एंड मोर एंड लॉट फ्रॉम यू, राइट? सो दैट व्हाट यू हैव टू डू। अब यूट्यूब में आप कैसे काम कर सकते हो? सिंपल, अर्ली मॉर्निंग उठे, बढ़िया फ्रेश अप होकर रेडी हुए, स्मार्ट ड्रेस किया अपने, और जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंट्स लोग के लिए सूट पहन लो, टाई लगा लो, शर्ट पहन लो, भले नीचे बन रहा हो, रिकॉर्ड कर लो 2 मिनट के लिए, बरमुडा पहन के अपना आप आराम से बैठे टेबल के ऊपर में। मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग ऐसे की है, तो यूट्यूब में आप देख रहे हैं, मैंने किसी इंटरनेशनल कंपनी का ट्रेनिंग भी लिया था, सो ऊपर थोड़ा सूखे फूटे थे, वैसे भी बात नहीं थी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू मेक अ 1 मिनट सेल्फी एवरी डे। हर दिन अपना एक नया सेल्फी क्रिएट करो, और वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज अपने मोबाइल स्टार्ट किया अपने सेल्फी रिकॉर्डिंग की, Hey, hi, this is Team Samrat Singh and today I'm going to share with you, it's a most interesting part which is called that you are going to be get paid by just clicking websites, just viewing advertisements and just by downloading applications. So if you want to know something more about it, you can ping me up with this number. Zaruri nahi ki aap log English mein ho, Hindi mein bhi kar sakte hain. Hi, mera naam Samrat Singh hai aur aaj main aap logo ke saath mein kuch ek aisi behtareen baat karne ja raha hoon jahan par aap मात्र कुछ वेबसाइट को क्लिक करके, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को व्यू करके और कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके बहुत सारे डॉलर्स कमा सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। Are you got it? Yes, sir. हर दिन आपका छोटा छोटा ये सिंगल वीडियो, अंडरस्टैंड करो, जब 80,000 लोग डेली एक सिंगल वीडियो भी अपलोड करेंगे पूरा गूगल में हंगामा मच जाएगा। Are you understanding it? But trust me, हो सकता है कि आपका किया हुआ 1 मिनट का वीडियो किसी और के लिए बिजनेस, और किसी 1 घंटे का वीडियो आपके लिए बिजनेस को क्रिएट कर सकता है। Right. Did you understand it? क्योंकि अपलोड आपने यहाँ दिल्ली में किया, लेकिन वो माइलेज हैदराबाद में क्लिक करने गया। अमनदीप जी का स्टार्टिंग का सारा वीडियो मैक्सिमम साउथ इंडियंस ने इस्तेमाल किया, मैक्सिमम पूरे साउथ इंडिया में अमनदीप जी का वीडियो देखा गया, एंड बिकॉज ऑफ हिज वीडियो हमको वहां माइलेज मिला, एंड दैट वाज द रीजन एवरी वीक दे आर मेकिंग 40,000, 45,000, 50,000 तक का बिजनेस वो जनरेट करते हैं। सो अगेन आई विल अप्रिशिएट अमनदीप जी अगेन, सो दैट यू कैन डू इट। कर सकते हैं ना छोटा सिंपल टास्क, yes. 1 मिनट का वीडियो रोज बना सकते हैं हम लोग, yes. कभी पीपीसी, कभी पीपीबी, कभी पीपीडी, कभी एफिलिएट मार्केटिंग, कभी ट्रेडिशनल मार्केट कर सकते हैं ना, yes. पूरा मजुमा चैनल क्रिएट करके आप लोग पूरा हंगामा मचा सकते हो। और कुछ लोग पूछते हैं जैसे रविंदर जी ने मजाक में पूछा है, अभी जी हफ्ता हो गया गूंज कहाँ है, मैं क्या गूंज को टाइप कर लिया, कुछ अभी पीछे फीवर चल रहा था। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, गूंज क्या है, ये जो एक एटमोस्फेयर इस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बना है ना मधुमा का, कुछ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बना है, कुछ नेगेटिव इन्वायरमेंट में बना है, वो एक गूंज है। और अभी उस गूंज का ब्लास्ट नहीं हुआ, मतलब अभी सिंगल पर्सन तक वो गूंज नहीं पहुंची। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा वक्त और है, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर लोगों को कई साल लगे हैं, लेकिन इस चीज के लिए रियली अप्रिशिएट करना चाहिए मजुमा को और मजुमा की टीम को और मजुमा के लीडर्स को, कि जो इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करने के लिए 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, मजुमा ने सिर्फ 8-10 महीने के अंदर करके दिखाया है। सबसे पहली चीज, अभी 15 अगस्त सभी को मालूम है ना, 15 अगस्त निकला था, यस और नो? यस। और सम्राट जी ने एक एक चीज बड़ी प्यार से क्लियर करके बताई
की आईटी है, आपका मोबाइल, कितने लोग हैं जिन लोगों का मोबाइल हैंग होता है? सभी का होता है। कभी कोई ऐसा है किसी ने एसएमएस किया और वो ना पहुंचा हो? ऐसा होता ही क्या? होता है। कई बार व्हाट्सएप पे भी आपका नेट भी हाई स्पीड दिखा रहा होता है, आप उसको बार बार पुश करते हो लेकिन वो मैसेज अभी डिलीवर ही नहीं होता। होता है कि नहीं होता? होता है। तो सर इतना समझ लीजिए, अगर आईटी फील्ड के अंदर काम करना है तो ये छोटे छोटे एरर्स तो आते ही रहेंगे सर। मैटर ये होता है कि इन एरर्स को, इन प्रॉब्लम्स को कितनी जल्दी एक सोल्यूशन के साथ खत्म कर दिया जाए। और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मधुमा की टीम, मधुमा के लीडर्स बड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे सम्राट जी ने 30 अगस्त की एक बात की थी, जिस दिन उनका बर्थडे था, दैट इज द मधुमा क्विट डे। बहुत लोगों ने हमें बड़े प्यार भरे एसएमएस भेजे थे, है ना, बहुत प्यार था उनके अंदर, जो हमारी माताओं और बहनों तक पहुंचाने वाले ऐसे मैसेज भेजे गए थे। बट हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया बिकॉज हम लोगों की सोच और विजन क्लियर था कि ये मधुमा भी आई है, ये जाएगी कहां और क्या करना चाहती है। और हमेशा हर एक सेशन में एक ही बात कहता था कि सर जितना हम लोगों को मालूम है उतना जब तक एक एक आदमी को पता ना चल जाए तब तक उसको ट्रेनिंग दो, और जितना हम सबको मालूम है उतना जिस दिन आपकी टीम वालों को पता चल गया तो क्या वो क्विट करेंगे? नहीं करेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमियां हैं। और कहां तक है वो एजुकेशन? वो एजुकेशन हो सकता है आज यहां पर बैठे 70-80 लोगों तक की सीमित।